नमस्कार, आप देख रहे हैं मुसर्रत टाइम्स लाइव। एक नज़र इस विशेष रिपोर्ट पर। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, दिल्ली में अब कोई नहीं रहेगा भूखा, मुफ्त मिलेगा दो वक्त का खाना। दिल्ली के रैन बसेरों में रह रहे बेघर लोगों के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज से भोजन वितरण अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान से कई बेघर लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। इस नेक काम में अक्षय पात्र फाउंडेशन एनजीओ भी दिल्ली सरकार को मदद करेगा। सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली के रैन बसेरों में बेघर लोग रहते हैं, ये सबसे गरीब हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता है। उन्होंने कहा कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इन सभी लोगों को रोजाना दोनों वक्त का पौष्टिक खाना एकदम मुफ्त मुहैया कराएंगे। दिल्ली में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। दिल्ली के रैन बसेरों में बेघर लोग रहते हैं, ये सबसे गरीब हैं, इनकी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ मिलकर हम इन सभी लोगों को रोजाना दोनों वक्त का पौष्टिक खाना एकदम मुफ्त मुहैया कराएंगे। दिल्ली में किसी को भूखा नहीं सोने देंगे। उद्घाटन कार्यक्रम में अरविंद केजरीवाल ने कहा कि असली धर्म भूखे को खाना खिलाना है। दिल्ली सरकार 6000 से 12000 बेघर लोगों को आवास और भोजन उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली भर में 209 रैन बसेरा चलाती है। दिल्ली सरकार ने कोरोना काल में भी रैन बसेरों में दोनों वक्त के खाने का इंतजाम किया। सब लोग शांति बनाए रखें, कार्यक्रम का शुरुआत करने जा रहे हैं। मैं दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड की तरफ से, तमाम यहाँ संगठनों से आए हुए लोगों की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी का, अपने अर्बन डेवलपमेंट, उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। अक्षय पात्र फाउंडेशन से हमारे जो चेयरपर्सन हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। वाइस चेयरपर्सन सर हैं जो प्रभु जी, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं अपने ट्रस्टी हैं जो फाउंडेशन के, उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और तमाम मीडिया से और ड्यूसिप से जो साथी हमारे काम कर रहे हैं, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ये एक बहुत नोबल कॉज के तौर पे हम लोगों ने दिल्ली आश्रय सुधार बोर्ड के तरफ से पहल किया था। दिल्ली में लगभग 209 आश्रय गृह हैं, जिसमें लगभग 6000 लोग रहते हैं और जाड़ों के दिनों में लगभग 12 से 13 हज़ार लोग रहते हैं एक समय में। उन सबको हम लोग खाने का प्रबंध शुरू किया है, जिसमें अक्षय पात्र फाउंडेशन ने आगे बढ़ करके इस मुहिम में सरकार को मदद करने के लिए, सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर चलने में सहयोग दिया है। उसके लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, जिन्होंने हम सबको ये लगातार बेघर साथियों को और सबसे जो निचला तबका है उनके लिए काम करने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया है, उनको भी मैं धन्यवाद और उनको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आग्रह करता हूँ जो हमारे अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं, वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को वेलकम करें, सम्मानित करें। अब मैं माननीय अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर सत्येंद्र जैन जी का स्वागत करने के लिए वाइस चेयरपर्सन अक्षय पात्रा जी को आगमन करता हूँ। अब मैं एक हमारे तरफ से एक छोटा सा सीएम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूँ कि अक्षय पात्र फाउंडेशन के चेयरपर्सन को स्वागत करें, धन्यवाद। अब मैं माननीय यूडी मिनिस्टर साहब को बोलूँगा, जो हमारे वाइस चेयरमैन हैं
अक्षय पात्रा फाउंडेशन को, उनको मैं तमाम डिग्निटीज को आमंत्रित करता हूँ लैंप लाइटिंग के लिए इस प्रोग्राम का। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर बता दूं कि जितने 209 आश्रय गृहों में हम लोगों ने जो खाना का काम शुरू किया था, समय समय पर हमारे मुख्यमंत्री जी और माननीय मंत्री जी जनता से और सिविल सोसाइटी को ये हमेशा अपील करते रहते हैं कि सरकार के अलावा जितने और लोग इसमें सहयोग कर सके वो साथ आएँ और आ करके सरकार के इस पूरे मुहिम में शामिल हो, तब जाकर के हम पूरे समाज को बदल सकते हैं। तो मैं एक बार फिर आप सबका धन्यवाद देता हूं और मैं आग्रह करता हूं अक्षय पात्रा फाउंडेशन के चेयरपर्सन को वो आकर के वेलकम संबोधन दें। आई वुड लाइक टू थैंक आवर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री अरविंद केजरीवाल जी, हॉनरेबल मिनिस्टर फॉर अर्बन डेवलपमेंट श्री सत्येंद्र जैन जी for kindly making time out of their busy schedule for today's auspicious event of starting the feeding of the shelterless. The government of National Capital Territory of Delhi is working tirelessly to address the needs of its citizens during the COVID-19 pandemic. Despite various challenges, humanitarian efforts undertaken by the government to serve the distressed under the leadership of Sri Arvind Kejriwal ji is commendable. Night shelters set up by the Delhi Urban Shelter Improvement Board across the city are great examples of these efforts. Night shelters provide free accommodation to the homeless and also satiate their hunger. Families from economically disadvantaged backgrounds, senior citizens, widows, single women, individuals battling addiction and patients who need medical care use this facility extensively. We are happy to partner with the government to feed hygienic and wholesome lunch and dinner to these beneficiaries. Akshay Patra will be mobilizing the funds required for this feeding program to benefit thousands of people in the city. Akshay Patra has already served about 1.26 crore meals in the form of freshly cooked meal and grocery kits in Delhi as part of the COVID relief initiatives. As the implementing partner of midday meal scheme, we have been working with the government of Delhi to serve hot and nutritious midday meals to over 68,000 school children in Delhi. With the schools closed due to pandemic, Akshay Patra has been extensively using its resources to aid the government's other feeding efforts. Overall, we have distributed more than 16 crore meals across the country since last year.
Our outreach in Delhi would not have been possible without the constant support and encouragement of Sri Arvind ji and his team over the years. We are committed to continuing Akshay Patra's services to feed these homeless people in the entire city of New Delhi. This efficient public-private partnership combines the government's proactiveness, Akshay Patra's social innovation, and the collective empathy of our society to serve the needy. I am confident that our synergetic efforts will go a long way in ensuring food security for vulnerable populations of NCT region. Once again, I thank everyone present here for taking part in this event. Thank you very much. Thank you, Prabhuji. Aapne Akshay Patra ki taraf se aapke plan aur aapke vichar rakhe. Ab main aapko ek bar main bata dun, hamare beech करोलबाग के एमएलए श्री विशेष रवि जी हैं. मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं, उन्होंने समय निकालकर हमारे बीच में आए हैं. और मैं अब माननीय मंत्री जी जो हमारे अर्बन डेवलपमेंट हैं उनको आमंत्रित करता हूं दो शब्द रखने के लिए. दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी, अक्षय पात्रा संस्थान के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सभी साथी विधानसभा में, मेरे साथी विशेष रवि जी, सभी अधिकारीगण, सभी साथियों, आज अक्षय पात्रा की ओर से ड्यूशिप के द्वारा चलाए जा रहे जितने भी हमारे शेल्टर्स हैं, दिल्ली में लगभग 6000 लोग अभी हमारे डिफरेंट शेल्टर्स में रह रहे हैं, उन सभी को दो वक्त का भोजन अक्षय पात्रा की ओर से फ्री दिया जा रहा है. जो ये कोविड की लहर आई थी, लगभग 1.5 साल पहले मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए थे कि ड्यूशिप के जितने भी शेल्टर्स हैं, जितने भी होमलेस लोग हैं, उन सभी को दो वक्त का खाना सरकार की ओर से दिया जाए. और तभी से लगातार सरकार की ओर से सबको खाना दिया जा रहा है. अब अक्षय पात्रा आए हैं और उनका मैं बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस काम को अपने हाथ में लिया है. मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अक्षय पात्रा की ओर से सिर्फ होमलेस के लिए 6000 लोगों के लिए खाना नहीं दिया जा रहा, इसके अलावा 3000 मजदूरों को भी हमारी साइटों के ऊपर, जो कि हॉस्पिटल्स खासतौर से जो बन रहे हैं दिल्ली सरकार के, वहाँ पर जो मजदूर हैं उनको भी 3000 लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया गया है. मैं उसके लिए भी बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ. और इन्होंने हमसे कहा है कि अगर सर्दियाँ आएँगी, सर्दियों में हमारी स्ट्रेंथ डबल हो जाती है, 6000 की जगह 12000 लोग हो जाते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने कहा है कि हम उसके लिए पूरा इंतजाम करेंगे. धन्यवाद. जय हिंद. धन्यवाद सर, आपने बहुत हमारा मार्गदर्शन किया, हमें आशीर्वाद दिया. और अब मैं समय न लेते हुए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं डैश पे संबोधित करने के लिए. माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी. दिल्ली के अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर श्री सत्येंद्र जैन जी, अक्षय पात्रा फाउंडेशन के चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण, सभी स्वामीगण, सभी भाइयों बहनों, आप सब लोगों को नमस्कार. हमारे जो रैन बसेरे हैं, इनमें समाज के गरीब से गरीब लोग रहते हैं. ऐसे लोग जिनके घर पे छत भी नहीं होती, ऐसे लोग जो सड़क के किनारे सोने पे मजबूर होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो लोग सर पे छत पाने के लिए, मौसम से बचने के लिए रैन बसेरों में आते हैं. तो एक तरह से आप कह सकते हैं, जो अंग्रेजी में कहते हैं पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, सबसे गरीब लोग रैन बसेरों में रहते हैं. ये लोग किसी भी पार्टी का वोट बैंक नहीं है. इनमें से मैक्सिमम लोगों के वोट नहीं बने हुए. तो कोई भी पार्टी की सरकार आ जाए, वो इनकी तरफ ध्यान नहीं देती. उनको लगता है इनकी तरफ ध्यान देने से क्या फायदा,
इनके ऊपर पैसा खर्चने से क्या फायदा? हम लोग तो 2013-14 में पहली बार नए नए राजनीति में आए थे, उसके पहले हर साल सर्दियों के महीनों में अखबारों में पढ़ा करते थे, हर साल दर साल सार दल साल एक ही कहानी होती थी अखबारों में। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कस के डांट पिलाई कि आप लोगों ने रैन बसेरों का ठीक से इंतजाम क्यों नहीं किया। हर साल दिल्ली हाई कोर्ट डांटता था, हर साल दिल्ली सरकार डांट खाती थी, उसके बावजूद भी कुछ नहीं सुधार हुआ। इंदु जी आश्रय अधिकार अभियान में काम किया करते हैं, अभी भी वही आश्रय अधिकार अभियान वो संस्था होती थी जो पूरी दिल्ली में जगह जगह सड़क के किनारे जो रात को लोग सोते थे उन लोगों को छत देने के लिए कोशिश करती थी। तो पूरी दिल्ली के अंदर इस तबके की तरफ कभी, दिल्ली क्या पूरे देश में इस तबके की तरफ कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने सबसे पहले रैन बसेरों की तरफ अपना ध्यान दिया, और आज मुझे ये कहते हुए खुशी है कि पिछले 6-7 साल में हमारी सरकार ने इन रैन बसेरों की हालत इतनी अच्छी कर दी है कि अब जो लोग इन रैन बसेरों को देखने आते हैं वो अपने आप कह उठते हैं कि यार दिल्ली सरकार ने गरीबों के लिए कुछ किया तो है। इन सारे रैन बसेरों की हालत सुधारी गई, यहां पे इनको ठीक से बिस्तर का इंतजाम किया गया, रहने का इंतजाम किया गया। पहले कोई भी गरीब आदमी भी, गरीब से गरीब आदमी भी इन रैन बसेरों में आके रहना नहीं चाहता था, इतनी बुरी हालत थी। टॉयलेट्स की बुरी हालत थी, पानी नहीं मिलता था पीने का, नहाने की का इंतजाम नहीं था, किसी चीज का इंतजाम नहीं था। मैंने और मंत्री जी ने खुद कई कई रैन बसेरों में जा जाके इसका इंस्पेक्शन किया, और आप समझ सकते हैं कि जब सीएम खुद जाके रैन बसेरे में इंस्पेक्शन करता है तो ऊपर से नीचे तक सारी मशीनरी ब्यूरोक्रेसी जो है वो हिल जाती है, फिर उनको लगता है कि ये काम तो करना पड़ेगा, सीएम खुद आ रहा है। हमने खुद जा जाके रैन बसेरों का इंस्पेक्शन किया और आज इन रैन बसेरों की हालत बहुत अच्छी है। 209 रैन बसेरे चल रहे हैं, जैसा भी मेरे साथी ने बताया कि 209 रैन बसेरों में इस वक्त 6000 लोग रह रहे हैं और सर्दियों में लगभग 12000 लोग रहते हैं। पिछले 6-7 साल में आपने सर्दियों के महीने में अखबारों में यह खबर अब पढ़नी बंद हो गई होगी, अब कोई अखबारों में खबर नहीं आती कि दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को डांटा, वो अब पुरानी बात हो गई है। अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। कोविड के महीनों में, कोरोना के टाइम में हमने रैन बसेरे में रहने वाले लोगों को भोजन का भी इंतजाम करना शुरू किया था कि उनको दोनों वक्त का भोजन मिले। सरकार ने इंतजाम किया था। अब मुझे बेहद खुशी है कि अक्षय पात्रा फाउंडेशन सामने आया है। अक्षय पात्रा फाउंडेशन आप लोग सब लोग जानते हैं, इस्कॉन टेम्पल जो है उनकी संस्था है, धर्म का काम करते हैं, असली धर्म का काम करते हैं। असली धर्म का काम मतलब भूखे को खाना खिलाना असली धर्म है, वो काम करते हैं। और इनका जो मोटो हर जगह लिखा होता है कि किसी भी भूखे को, किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे हम, ये इनका मोटो है, इनकी संस्था का मोटो है कि किसी को भी भूखे नहीं सोने देंगे। पूरे देश भर में कई राज्यों के अंदर बहुत शानदार काम चल रहा है। मैं बेंगलोर गया था जब पिछली बार, तो अक्षय पात्रा की सारी किचन्स और इनका सारा सेटअप मैं देख के आया था। बहुत ही साफ सुथरा, मशीनों से खाना बनाते हैं, बहुत बहुत ही हाइजेनिक खाना बनाते हैं। तो आज मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार और अक्षय पात्रा फाउंडेशन के बीच में आज से जो ये
साझा कार्यक्रम शुरू हुआ है, इसके जरिए सभी रैन बसेरों में अब परमानेंटली खाना खिलाया जाएगा। जैसा मैंने कहा, अभी हमने कोरोना से ये शुरू किया था, अब परमानेंटली खाना खिलाया जाएगा, सभी को खाना खिलाया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे। जैसा मैंने कहा कि किसी भी जिम्मेदार सरकार का सबसे पहला काम होता है अपने गरीब से गरीब नागरिक की तरफ ध्यान दे, जो सबसे गरीब है। लेकिन सरकारों ने आज तक किया नहीं, क्योंकि वो उनका वोट बैंक नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार एक जिम्मेदार सरकार है, सेंसिटिव सरकार है, सबसे ज़्यादा काम हमने गरीबों के लिए किया है। तो आज मुझे बेहद खुशी है आज इस प्रोग्राम का इनॉग्रेशन करते हुए, और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अक्षय पात्रा फाउंडेशन का कि वो जिस तरह से समाज की सेवा कर रहे हैं, इंसानियत की सेवा कर रहे हैं। आप इसी तरह से सेवा करते रहें, भगवान करे आपको खूब चंदा मिले, खूब डोनेशन मिले, ताकि आप और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सेवा कर सकें। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर, आपने जिस तरह से पूरी बात रखी और ये पूरी सरकार पूरी शिद्दत से समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति के लिए काम करता है, और आप हमेशा ये बोलते रहते हैं कि जिनको समाज से या जिनको कहीं से कुछ नहीं मिला है उनको सरकार से और इस उन तमाम स्कीमों से उनको ज़्यादा मिलना चाहिए, और इस प्रयास में हम सब लोग आपके दिखाए हुए रास्ते पर हम साथ चल रहे हैं। अब मैं वॉलंटियर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये पैसेज खाली कर देंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री और मंत्री जी और फाउंडेशन के चेयरपर्सन वाइस चेयरपर्सन आएंगे वहाँ पे खाना डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। वॉलंटियर्स जो होंगे शायद वो सुनिश्चित करें। मैं एक और बात बता दूँ, हमारे जो जंगपुरा की एमएलए हैं उनकी वाइफ यहाँ आई हुई हैं, क्योंकि एमएलए साहब नहीं आ पाए हैं, वो बाहर हैं, तो मैं उनका भी स्वागत करता हूँ, वो इस प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। हमारे लोकल एमएलए की दंपत्नी जी हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी और चेयरपर्सन और वाइस चेयरपर्सन अक्षय पात्रा जी के आमंत्रित करता हूं खाना डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। चले जाएंगे।